हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कुक विद एजी आर में। आज मैं देखिए गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए हमने 1.5 कटोरा गेहूं का आटा लिया हुआ है और यहाँ मैंने 4 चम्मच सूजी लिया हुआ है। अच्छे से इनको मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 1/2 कटोरा से ज़रा सा कम है। इन सबको मैं एक साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ मैं कुटी हुई इलायची ली हूँ, ताज़ी कुटी हुई हरी इलायची को। इस तरह से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सबको मैं अच्छे से देखिए मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे बीच में मैं जरा से स्पेस बनाऊंगी। यहाँ मैं देसी घी डालूंगी, आप चाहे तो तेल भी डाल सकती है, और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। इससे हमारी रेसिपी जो है बहुत ही खास्ता बनेगी। यहाँ पे देखिए मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ देखिए बन रहा है अच्छे से, हमारा मोयम एकदम परफेक्ट है। यहाँ मैंने दूध लिया है और दूध में मैंने चीनी डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकती है कम ज़्यादा। इसी दूध से मैं आटे को गूंथ लूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे को इस तरह से गूंथ लेंगे। यहाँ देखिए आटे को मैंने सख्त गूंथ लिया है। अब इसके मैं 2 भाग कर लूँगी। अब इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, साइड का हम निकाल देंगे इसको। इसे हाथों से शेप दे देंगे। यहाँ देखिए इस तरह से मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया। अब इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके इसको डाल दूंगी। गैस का फ्लेम थोड़ा धीमी रखेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। गैस का फ्लेम अगर तेज रहेगा तो ऊपर से तो पक जाएगा, नीचे से ये कच्चा ही रह जाएगा। अब इसको पलट देंगे इस तरह से, सावधानी से पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी और खास्ता बनाया ये। फ्रेंड्स देखिए अच्छे से ये क्रिस्पी सा फ्राई हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बन के तैयार है देखिए हमारा खास्ता सा नाश्ता। और ये बिस्किट से भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ और ये कितना क्रिस्पी बना है, देखिए देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।